दिल्ली के बुराड़ी में एक परिवार के 11 लोगों की मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है, जिसके बाद परिजनों ने फिर सवाल उठाए हैं। ललित की बहन सुजाता ने सवाल उठाए कि परिवार में आपस में प्यार था, फिर खुदकुशी क्यों करेंगे? खुदकुशी करनी होती तो अगले दिन के खाने का इंतजाम क्यों करते? सुजाता ने मामले की गहनता से जांच करवाने की अपील की है। मुझे कुछ नहीं पता, जो मैं देख रही हूँ मीडिया में वही मैं सुन रही हूँ। मुझे सच्चाई नहीं कुछ पता, ये क्या हो रहा है मुझे नहीं कुछ पता। मेरी लास्ट टाइम आई थी उसी दिन 2:30 बजे बात हुई थी मेरी, मेरी माँ से हुई, मेरी बहन से हुई, कोई ऐसी बात नहीं थी, कुछ भी नहीं कुछ। वो बड़ा खुश परिवार था, बड़ा खुश था वो, कोई ऐसी उनके घर में बस शादी की तैयारी हो रही थी और उनके घर में माहौल शादी वाला था, तो वो सुसाइड क्यों करेंगे? वो हमें नहीं लगता सर कि वो अभी सुसाइड कर सकता, बाकी जो भी न्यूज़ में देख रहे हैं सर उसी से हमें सब कुछ पता चल रहा है सर। मेरी सर सेम डे बात हुई थी, वही पापा के लिए फ़ोन आया था तभी सर बात हुई थी, बाकी ये है कि सर कज़न की चैट हुई थी कज़न से रात को 11 बजे सर। आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, इस मामले में दिल्ली पुलिस के ढीले रवैये पर पहले भी सवाल उठे हैं और अब जो बहन सुजाता का जो कहना है इस पर क्या रिएक्शन है पुलिस की तरफ का? जी देखिए, अभी परिवार के गले बिल्कुल ये पुलिस की थ्योरी नहीं उतर रही है कि अंधविश्वास के चलते 11 लोगों की जान चली गई है इस पूरे मामले में। लगातार जो सुजाता है, ललित की बहन है, और जो सुजाता के जो बेटे हैं यानी ललित के जो भांजे, वो लगातार ये अपील कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस मर्डर के एंगल से इस पूरे मामले की तफ्तीश करे। जो 11 सनसनीखेज मौत हुई उन्हें आत्महत्या क्यों करार दिया जा रहा है? इसके लिए बकायदा बुराड़ी थाने में कंप्लेंट भी दी थी परिवार ने कि हत्या का मुकदमा दर्ज कर इसमें हत्या के एंगल से जांच करें, लेकिन पुलिस लगातार ये दलील दे रही है कि ये अंधविश्वास और कहीं ना कहीं एक आत्मा या इस तरह की हवा से जुड़ा मामला। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसमें फरा बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी कर देगी कि आखिर 11 मौतों का सच क्या है। लेकिन इसमें कई ऐसी चीजें हैं जिन पर जाहिर तौर पर सवाल खड़े हुए हैं कि पुलिस ने उन एंगल्स को क्या नजरअंदाज किया है या अंधविश्वास की जो थ्योरी है उसे ज्यादा बड़ा चढ़ा के बढ़ावा दिया है, क्योंकि लगातार परिवार ये बात नहीं पचा पा रहा है कि जिस घर में सगाई हुई थी हाल में और शादी का माहौल था वहाँ पे 11 लोग इस परिस्थितियों में, जो बेहद ही चौंकाने और अजीबोगरीब परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में आखिर कैसे आत्महत्या कर सकते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका। हरियाणा के गुरुग्राम में बेटी की दोस्त का रेप करने का मामला सामने आया है और आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि बेटी की दोस्त डिनर पर आई थी और तभी उसके पिता ने नशीली चीज देकर उसका रेप किया और उसके बाद लड़की की शिकायत पर पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर तफ्तीश से जांच शुरू कर दी है। दो अलग अलग जो चोरियां हुई थी उसमें जो माल है, एक में हम लोगों ने 30,000 कैश और एक में 1,30,000 कैश प्लस ज्वेलरी, और हम लोगों ने कुछ इसमें तमंचे और डंडे, दो डंडे और एक खोखा भी लोगों ने बरामद किया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में कमर तक भरे पानी को कुछ लोग एक रस्सी के सहारे बाढ़ के पानी को पार करने लगे। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जबकि रत्नागिरी के एक गांव में बाढ़ का पानी इतना भर गया कि उसमें 70 लोग फंस गए, जिन्हें प्रशासन ने रस्सी और टायर की मदद से बाहर निकाला। वहीं रत्नागिरी में ही मुंबई गोवा नेशनल हाईवे पर पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि सड़क पानी में डूब गई। उधर चिपलुन में भी भारी बारिश से जमा हुए पानी में एक बस फंस गई। वहीं कोल्हापुर में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। कई इलाकों में पानी भरने की वजह से फसलें और सड़कें पानी में डूब गई, जबकि कई लोगों के मकानों में भी पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कई जिलों में पानी भर गया, जिससे जल्द राहत मिलती नहीं दिख रही। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में मुंबई, कोंकण और गोवा के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी। लेकिन उससे पहले हुई जोरदार बारिश ने रायगढ़ के लोगों को बेहाल कर दिया। बाढ़ जैसे हालात पैदा होने की वजह से लोगों को घुटनों तक भरे पानी से होकर जाना पड़ रहा है। इधर कई सड़कें पानी में डूब गईं तो कई इमारतें भी चारों तरफ से पानी से घिर गईं। यहां तक कि स्कूलों की बिल्डिंग भी पानी से घिर गई। इस दौरान जिन जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं वहां के प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया। दावा है कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई, जिसकी वजह से मुंबई गोवा हाईवे को बंद कर दिया गया था। 7 घंटों के बाद पानी कम होने पर हाईवे को खोला जा सका। यूपी सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की फिर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए यूपी ने
16 लाख राज्य कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग के बाद अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में शामिल पाया जाएगा तो सरकार की तरफ से उसे 3 महीने का नोटिस देकर रिटायर कर दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए बाकायदा एक आदेश भी जारी कर दिया है जिसमें 31 जुलाई तक सभी विभागों के मुखिया और प्रमुख सचिवों को अपने विभाग की स्क्रीनिंग की रिपोर्ट सरकार और मुख्य सचिव को सौंपनी होगी, जिसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों को 3 महीने का नोटिस देकर रिटायर कर देगी। निर्माण विभाग में जो क्लास हमारे जेईस तक के और नीचे के हैं वो विभागाध्यक्ष के स्तर पर होती है स्क्रीनिंग, सहायक अभियंता और उससे ऊपर के अधिकारियों के शासन स्तर पर होती है। हमने सबका डाटा जब पिछले साल स्क्रीनिंग की थी तैयार किया था और उसके बेस पे शासन से कुछ लोगों को नोटिस सर्व किए गए थे 3 महीने के। अभी भी जो शासनादेश आया है वो स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शासनादेश के अनुसार लोक निर्माण विभाग में की जाएगी। मुंबई के घाटकोपर के पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले ब्रिज को धंसने की वजह से बंद कर दिया गया है। बीएमसी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी थी, जिसके बाद देर रात इस ब्रिज के दोनों तरफ से आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। ब्रिज के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। मध्य रेलवे की सभी मेल एक्सप्रेस और लोकल ट्रेन इसी ब्रिज के नीचे से गुजरती है। रही मुंबई में देर रात एक बार फिर बारिश शुरू हो गई, सड़कों पर पानी भर गया और लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई और उससे सटे इलाकों में बीती रात से हो रही तेज बारिश के चलते कई जगहों पर वाटर लॉगिंग हो गई है। मैं इस वक्त पालघर जिले के नाला सोपारा स्टेशन के ठीक बगल में हूँ और आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ वो रोड पूरी तरह से पानी से भर चुका है। ये बिल्कुल स्टेशन के नाला सफा जो स्टेशन है उसके बिल्कुल सटा हुआ रोड है, प्लेटफार्म नंबर 4 के बिल्कुल सटा हुआ रोड है। और यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए, जिस तरह से आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी ये पूरा रोड जो है वाटर लॉगिंग हो चुका, चाहे वो चर्चगेट की तरफ जाने वाला रोड हो जो टूवर्ड्स चर्चगेट ट्रेन जाती हो या फिर जो विरार टूवर्ड्स की तरफ ट्रेन जाती है, उस तरफ हर तरफ जो नज़र जाएगी आपकी उसमें आपको सिर्फ पानी भरा हुआ मिलेगा। जी, तेज बारिश अब भी जारी है यहाँ पर और आप जिस तरह से तेज बारिश जारी है उससे दुकानों में, क्योंकि आसपास की दुकानें हैं, मैं आपको तस्वीर एक बार फिर कहूँगा कैमरा में दिखाएं, जो आसपास की दुकानें हैं उसमें पानी जो है घुसना शुरू हो जाएगा। बहुत कम फासला बचा है रोड और दुकानों के बीच में, तो ऐसे में जिस तरह की तेज बारिश आपको अभी हो रही यहाँ पर नजर आ रही है उसको देखते हुए थोड़ी ही देर में फिर ये पानी जो है दुकानों में भरना शुरू हो जाएगा और उससे लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी। हालांकि आज संडे का दिन है इसलिए लोग घरों से कम निकलेंगे, लेकिन लोग जो निकल रहे हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बारिश लगातार तेज जारी है और उसके बाद जो है स्टेशन के बगल वाले रोड पर इस तरह की वाटर लॉगिंग, तो कहीं ना कहीं जो असही विरार महानगर पालिका है उसके लिए ये बिल्कुल एक चैलेंजिंग काम था, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं किया और यहाँ पर हर साल पानी भरता है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ बगल में स्टेशन है इसलिए और भी दिक्कतें हैं क्योंकि लोग स्टेशन की तरफ आते हैं किसी गंतव्य तक जाने के लिए। ये वेस्टर्न लाइन का इलाका है और यहाँ से ट्रेन चर्चगेट के लिए जाती है और चर्चगेट के लिए लोग जो जॉब करने के लिए जाते हैं उनके लिए यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन चर्चगेट मिलती है, लेकिन जिस तरह से वाटर लॉगिंग है लोगों को काफ़ी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन दिग्विजय के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई।